नाजरीन पुठवारी बैठक च एक बार फिर तुसा की जी हां की आखने हैं असनी बैठक ने आज दो बड़े सोहने मजमान आए बैठे हैं जनाब आले इमरान और ते राजा कासम अजीज और राजा कासम अजीज और गल आनी पी सी इन्होंने बाहर गश्ने ना जड़ा इन्होंने एक तजर्बा सा उस हवाले नाल तो उन्होंने उतों ही गल्ला सिलसिला एक बार फिर शुरू करने हैं जुड़ने हैं। राजा जी तुसा गल करने पे से कि उत्थे मिकी शौक सा मजदूरी करने ना लिमोजीन आ पहले तो पढ़िया ना जी तो फिर लिमोजीन ज लिया सच दसना चाहिए अक्सर लोग आने जी असने उत्थे बड़े पेट्रोल पंप पे थे मतलब कम करने वो पेट्रोल पंप थोड़ा जा टाइम बंदे की लड़ना शुरू किया मेहनत की सारे मेहनत की और आखिर जितना इंसान है रिस्क लिखा होना फिर वापस अपने मुल्क आया इतने मतलब है कि मंदिर ने हवाले मतलब है पहले तो सारा एक सियासी बैकग्राउंड जरा मामू हरण वाले ने हाजी राजा मोहम्मद फाजल साहब जो पुराने मतलब है सियासी सारा हल्का इतिहासी तो समाजी हवाले ने बड़ा घट सा सही। तो जल्द मैं तुसें ये अक्सर पता होना कि राज्य जल्द कोई इे जहा कम कर लाने तो कोई मनना ही नहीं सही। और जी तुसा केड़े नेकी ने कमें पेई गए वह मैं ना पियां मी अल्लाह की तरफ मतलब है एक तोहफा मिले फिर असें एक जज्बा जवान हवाले न एक तंजीम बनाई बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत उसने बड़े अच्छे जड़े से लड़के जड़े मंदरे ने मेहनती से जड़े उन्हें की आंदा फिर असा मंदरे ने वाले सारे बहुत सारे ने काम किते और माशाल्लाह चार पांच साल होने वाले असा मंदरे ने वाले स्टार्टिंग बहुत सारे काम किते हत्ता के स्कूलों च फिर उस तो बाद अड्डिया पर और लोगों दत्त करनिया क्योंकि उत मैं एक चीज़ तखी है कि बहर जरा रही गया परदेस और परदेस फिर रही गया ते बंदे की ना अपने गलियां भी याद दसनिया अगर सही बंदा अगर जज्बा रखने वाला है कि उस तो बाद फिर है कि असा लोगों ने मत कीतियां और उस तो बाद स्कूल भी यानी कि बच्चे की इनाम भी दिते वो तुसा ना बड़ा वो याद है मिकी हालां तक जेड़ा जलजला आया सा आजाद कश्मीर तो तुसा बड़ा कम उस हवाले नाल कीता सा इसने पर भी गल करने आल इमरान जी तुसा मिकी समझ नहीं लगनी बड़ा थोड़ा जा टाइम है साढ़े को तुसा शख्सियत सारी पर गल करना तुसने कमां पर गल करना बड़ा मैं सोचना कि किस तरह करा ये सारा नहीं आई सकना लेकिन कोशिश करने कि ज्यादा से ज्यादा तुसा की किस तरह ख्याल आया कि अपनी पुठुआरी की असा तुसा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सिलेबस एम फिल ने सिलेबस इसकी शामिल कराया किस तरह तुसा ख्याल आया इस पासे दर ते फिर किस तरह तुसा अरेंज किया लोगों की किस तरह कायल किया तुसा इस गल्ला ये मरहला 2001 नहीं गल है असा कुछ दोस्त सन माड़े इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी च गए हैं असा अच्छा तो उत जल्द एक डिपार्टमेंट बनया पाकिस्तानी लैंग्वेजेस और उसने विच ए शुरू विच ए होया कि पाकिस्तानी जुबाना पर एक मुश्तरका जड़ा सिलेबस बनया और एम फिल कराया जासी जल्द असा उत गए तो उन्हें आख्या जी कि असा पुठवारी ने वायनल भी कुछ करो उन्हें तुसा दसो भाई कम कह वह तुसा कोई पुठवारी ने वायनल कुछ किया है ठीक है असा को सिर्फ एक किताब सी कच्चे घड़े अच्छा। एक सी डूंगे समंदर ते एक सी दिलपजीर शाह रानी किताब ठीक अच्छा। है हूँ त्रिया किताबों पर असा सिलेबस ही ना शामिल होने ते तुसा यकीन जानो कि उत्थे जल्द बरावी बलोची पश्तो शीना सिंधी ने स्कॉलर्स बैठे सन जल्द मैं उत्थे उन्हां विच बैठा जल्द असा की शर्म आ रही भाजी असा को ना कोई किताब है ना कोई तहकीक है ना कख भी नहीं असा ना खिता है तो पुराना सी कदीम सी कम थे सन लेकिन उसने पर किसा उसकी फरोलिया नहीं सी एक तस्वीर थे सी पर तस्वीर है पर धूड़ बहुत सारी पे सी। फिर असा मैं उस वेले उत्थे ही बैठे हो इरादा किया कि असा पाकिस्तानी जुबाना ने हवाले नाल अपनी पुठवारी जुबान की इंशाल्लाह काम कर सा और फिर उसने विच ये किया कि मैं अपनी पुठवारी जदीद नजमा की किताब फट ना फरोल अरशद चेहाल साहब पुठवारी पहला नावल आंदा फिर एक इंतखाब किया पुठवारी ने सारिया जेड़े अफसाना निगार ना तारा तारा लोह ने ना नाल फिर कुछ और लोग भी इस तहरीक साढ़े नाल शामिल होए तो फिर असा 31 दिसंबर या 30 दिसंबर अकैडमी ऑफ लैटर्स 2002 फंक्शन करवाया तो उसनी सदारत असा इफ्तखार आरफ क्योंकि उस अदबियात पाकिस्तान ने चेयरमैन सन उन्होंने बुलाया तो इफ्तखार आरफ साहब हैरान हो गए कि जी एक साल ने अंदर अंदर इतना बड़ा काम होया और वह भी इफ्तखार आरफ साहब आख्या कि पहली बारी अकैडमी ऑफ लैटर्स पुठवारी किताबों की तकरीबे रुनमाई हुई और बहु इस्लामाबाद ने राइटर्स की पहली बार पता लगा कि कोई पुठवारी भी थी या कोई काम है।
फिर टेलीविजन पटवारी ने वायनल काम किया, पी टी वी तू, रेडियो पाकिस्तान तू, मैं बहुत सारे इस तरह ने काम सन के जिन्हें कि नवे शुरू करना चाहिए सी। इचने भी असा कोई पटवारी जुबान जी है कोई उस पोजिशन नहीं आई जिसकी असा बड़ा आख सकने को पटवारी कच्चे घड़े तू बाद कोई बड़ा अदब नहीं आ सकया। हूँ पिछले दिन सैयद तारक मसूद साहब जो तौसीक हैदर और कुरा तो लैन ने वालद ना उन्होंने किताब टावे टावे तारे आई है ओ थोड़ी अच्छी है। फिर असन एक नौजवान शायर ना अख्तर उस्मान वह पटवारी जदीद नज़म और जदीद शायरी बड़ी अच्छी करने ते ये है कि खिता पटवार ने सारे जितने भी शायर अदीब ने उन्होंने जब तक अपनी जुबान वास्ती कम ना करना पैसी ये तक कुछ भी नहीं होना। इस समय उस पटवारी सरग रसाला पहली बारी कढ़िया जी ताकि लोग करन। फिर और बार भी चैनल शैनल आए उसने भी पटवारी जो पटवार ने शेर खान सन पटवार ने शायर सन पटवार ने गुलूकार सन उन्होंने सारे की आंदा सामने ताकि मुख्तलिफ इलाकों में गच गच के लो उन्होंने हीरे जड़े वो पटवार खेता है पटवार ने कड़े और खास तौर पर दूर दराज ने जड़े इलाके सन उतू ना लोगों की आंदा और तुसा तखने वाले भी जड़े जानने नो जरूर पता होसी उस बानो अदब ने एक बहुत बड़ी खिदमत की थी तुसा। जी बिल्कुल राजा जी तुसा बाहर गए हो जदों ते अपना खिता अपना इलाका अपने लोग एक बड़ा अनोखा जहा तजर्बा होया तुसा की उसने बारे दसो हाँ जी बाहर ने हवाले मतलब एक तो उसलै पाकिस्तानी चैनल इतने को नहीं से 1994 बिच ना ते कुदरै थोड़ा बहुत घंटे ना प्रोग्राम कोई होना होना था तो बड़ी खुशी महसूस होनी सी। फिर वो अपना एक उधर चैनल पाकिस्तानी 24 घंटे ने हवाले उस काम शुरू किया भाई इतनी हद तक कि खुशी होनी है क्योंकि ये चैनल जेडे पटवारी हवाले मैं आना जी कि साड़ी जान है उत्थे जी कि असं तो अक्सर कमें पर इन्ना कसने होने से हाँ तो इतने लोग आने जी के मतलब है कि पटवारी घट तखने पर बाहर इस चीज़ की बड़ी लोग पराठी देने एक एक चीज़ की तखने हैं मतलब है उतु अगर कोई कई बार होना से कोई बंदा नंगना तो असा उसने कपड़े की भी तखने से कोई जुत्तियाँ की लाइया तो कई बार होने से वो तो को जी के इस मतलब है परना पर इसी या बदा इतनी खुशी होनी है बहुत ज़्यादा जी के अक्सर असा कमे पर गसने होने से कोई अच्छा प्रोग्राम होना सा रिकॉर्डिंग लाई जाने होने से फिर मुड़ी अच्छी गया तखने से हाँ पसंद ने प्रोग्राम होने से खेलों ने हवाले न फिर जे पटवार ने कर्चा नेजाबाजी घोड़िया नहीं दौड़ ते मतलब बहुत सारे जानी ना फिर जिसलै उत्थें ने लोग जड़े से ना बच्चे जड़े पैदा होए तो पाकिस्तान की तखने और जिसलै आने से जी कि पाकिस्तान क्या चीज़ है जिसलै मीडिया उत्थें गया और दस्या और उन्होंने बच्चे ने अंदर एक शौर पैदा होया कि यार साढ़े मुल्क ने अंदर इतनी ब्यूटी है इतना यानी कि खूबसूरत लोग है और इतनी खूबसूरत हर बंदा हुआ माशाल्लाह और तहजीब और फिर एक खूब पैदा होनी और बहुत सारे लोग उतु फैमिली फिर पाकिस्तान ही चाहिए यारा कि इतना भी असं गैसने बिजनेस करी सकने कम करी सकने इतना भी माशाल्लाह बड़े बड़े माल है बड़े बड़े लोग रहन लगे माशाल्लाह दुनिया में 16 करोड़ आवाम रहन लगी है तो बाहर अक्सर लोग आने जी के पता नहीं गैसा पाकिस्तान क्या हो गया सी मतलब है लोगों की गलतफहमी है। देखो असें कि हमेशा खुदा पर यकीन रखना चाहिए और उसने सुन्नत के मुताबिक अगर असं जिंदगी गुजारी है ना तो असं हमेशा अगे ही वसा पिछे नचने क्यों सने अजकल तो वैसे भी ईमान कमजोर है असने उसका ईमान नहीं है तो होना चाहिए और फिर है कि उतु जिसलै फिर बंदा वापस हसना कुछ लोग जड़े वे फिर वापस चले गए हसने कुछ ने कोशिश होनी कि इतने अच्छे काम किए जा बाहर ने लोग करी सकने उन्होंने अंदर एक जज्बा होना जिसने अपनी तंजीम ने सारा ना जज्बा जवान रखा वह बंदा पूछना जी इन्हें ना जज्बा जवान किए रखे मैं इसने बुढ़े भी चल सन लेकिन जज्बा बावे भी हो गया असा तो असा अंदर वो जज्बा इंशाल्लाह कैम दैम रहे अपने इलाके वास्तव खिते वास्तव असा पटवारी यानी कि अपनी सकाफत पर भी काम करने असा अदबी हवाले न लो और उस तू अलावा हर साल ईरान तू माशाल्लाह जड़ा ना असा जज्बा जवान है जेरे तमाम ईरान तू जड़े इंटरनेशनल कारी ने कुरा उसना पूरा ना और ईरान वाले साढ़े ने बड़ा तावन करने और फिर असा हर रमज़ान शरीफ ने 26 या 27 या उसना मंदरे प्रोग्राम होना उस तू बाद या फिर गुजरखाने वाले और मुस्लिफ इलाके च क्योंकि मतलब है कि एक तो रमज़ान शरीफ ने बरकत होनी उस तू बाद ईरान ने कारी और उन्होंने तो माशाल्लाह
तलावत सुनी के एक बारी दिल बंदे ना नूर नाल रोशन होई जाना। छोटे छोटे बच्चे आए होने उन्हें 10 साल ने हाफिज़े कुरान ओ उन्होंने होना के मतलब तुसा कुरान पाक जिथू मर्जी खोलो जिथू एक आई पर निके जे वक्फे ना वेला हो गया वक्फे सु बाद फिर मुड़ी तो असन सुना गलबात करसा नाजरीन निका जा वक्फा कि नया उस सु बाद राजे नाल मजीद गलबात करसा सड़ना रे आवे।